आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। फतेहाबाद में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। नवीन जयहिंद ने सभी कार्यकर्ताओं को हिसार में आम आदमी पार्टी की 25 मार्च को होने वाली रैली में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया। वहीं नवीन जयहिंद की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को पीले चावल देकर रैली के लिए निमंत्रित किया गया। नवीन जयहिंद ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बाकी सभी दलों की रैलियां फेल हो चुकी हैं और अब आम आदमी पार्टी की ओर से हिसार में जो रैली की जा रही है वो ऐतिहासिक होगी। आज फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और फतेहाबाद के लोगों को न्योता देने के लिए आए हैं और 25 मार्च को रविवार को हिसार में हरियाणा बचाओ रैली हो रही है। हरियाणा के जवान को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को बचाना जरूरी है, इसलिए आज पीले चावल दे के हम न्योता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, तो पीले चावल दे के पूरे हरियाणा में न्योता दे रहे हैं। और हरियाणा को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचेंगे। हमारी कोशिश है कि हर गांव से, हर मोहल्ले से आम आदमी पार्टी की इस हरियाणा बचाओ रैली में लोग पहुंचे। हरियाणा के अंदर सारी पार्टियों की रैलियां फेल हो चुकी हैं और मुख्य जो टारगेट है, नौजवान साथियों से हम अपील भी करेंगे कि इस रैली के माध्यम से हम ये चुनौती देंगे और इनको सबको न्योता भी दिया है कि आके देखें बिना पैसे के कैसे रैलियां होती हैं। और इस परिवारवाद को, ये जो ट्रेडिशनल राजनीति है, ये जो जातिवाद और अक्षेत्रवाद के नाम पे राजनीति करते हैं, इनको उखाड़ के आम आदमी पार्टी वाले लोग और आम आदमी पार्टी फेंकेगा। वहीं बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश के इतिहास का सबसे खराब बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में 2030 तक की बात की गई है, लेकिन किसी भी वर्ग के लिए कोई भी राहत इस बजट में नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिला विकास कौशल के तहत बीजेपी के नेताओं का विकास कैसे होगा, इस बात की ओर इस बजट में ज्यादा ध्यान दिया गया है। हरियाणा के इतिहास का सबसे खराब बजट है ये, पहली बात तो इसलिए मैं सबसे खराब बजट कह रहा हूँ। इसके डॉक्यूमेंट जो है, उसमें विजन जो डॉक्यूमेंट है, उसमें 2030 की बात करी गई है, तो 2030 किसने देखा, अभी 2018 की बात तो की नहीं गई है। तो मुझे लगता है कि सबसे खराब बजट है ना, इसमें नौजवानों के लिए कुछ दिया गया, ना बेरोजगारी भत्ते पे बात की गई है, ना सरकारी नौकरियों पे बात की है, ना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बात की है, ना कोई हॉस्पिटलों के स्वास्थ्य के लिए बात की है, ना एजुकेशन के लिए कोई बात की है, ना कोई इंडस्ट्री के लिए बात की है। इस बजट के अंदर पूरी तरह से कुछ भी नहीं है। एक चीज जरूर है, मैं आपको बताऊं, एक जिला विकास कौशल इन्होंने वो बढ़ाया है, और ये जिला विकास जो कौशल है, ये बीजेपी के जो नेताओं के लिए, ये जो बजट है बीजेपी के जो नेता है उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, हरियाणा के लोगों की डेवलपमेंट कैसे होगी, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर मुख्यमंत्री के दिए गए बयान पर भी नवीन जयहिंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान देने से पहले शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की सभी मांगों को मानकर उन्हें उनका हक दे। देखिए, ये जो सीएम है, सीएम की बेशर्मी है, उसको शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि महिलाओं का, माता बहनों का, बेटियों का सम्मान करना उनको सीखना चाहिए। इसमें लाल पीला हरे की बदमाशी कहाँ से आएगी, अपना हक मांग रहे हैं, किसी लाल वाल की बदमाशी नहीं है। उनको तनख्वाह बढ़ाओ, उनका हक दो, कौन बदमाशी करेगा। ज्यादातर महिलाएं इसमें, विधवा महिलाएं, उसको सरकार को वैसे सोचनी चाहिए। और अगर इसको कोई मुख्यमंत्री इस तरह की लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कि वो डरे हुए। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।